हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि पहले दो वीडियो में आपको 40 तक के क्वेश्चनों का सलूशन मिला है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप का, साझा का सवाल। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कि क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं अगर एक बार आपको देखा हुआ है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। दूसरा दो वीडियो पहले डाला गया है, तीसरा वीडियो है ये साझा का। आइए मैं शुरू करता हूँ। आई होप कि तमाम चीज़ें स्पष्ट दिख रही होंगी, चूँकि खुद से ही यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ, कोई क्लासरूम में नहीं है। सुबह सुबह का समय है, 5:30 बजे करीब। शुरू करता हूँ। पहला सवाल, एक साझेदार ए अवधि के 1/6 भाग के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी अवधि के 1/3 भाग के लिए पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप से कह रहा है, अब समझिएगा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि ए जो है सो कोई खास समय के लिए और बी कोई खास समय के लिए निवेश करता है और सी भी निवेश कर रहा है। देखो, सी कुल समय के लिए शेष पूंजी को निवेश करता है। पहले तो कह रहा है कि पूंजी क्या ले रहे हैं ये लोग, ध्यान दीजिएगा। पूंजी 1/6 भाग अवधि है और 1/6 भाग पूंजी भी ले रहा है, लगा रहा है कौन, ए। और बी है सो समय का 1/3 भाग और पूंजी का भी 1/3 भाग लगा रहा है। तो हम क्या मान करेंगे कि 6 मान लेंगे पूंजी और समय भी मान लेंगे 6। अब कह रहा है कि 6 का 1/6 भाग समय लगा रहा है, यानी कि ये एक समय के लिए रह रहा है, और पूंजी का भी ए है सो 1/6 भाग, इसलिए 6 मानों के हैं, 1/6 यानी कि एक पूंजी लगा रहा है ये। बी अवधि का 1/3 भाग, 6 का 1/3 भाग यानी कि 2 समय के लिए, 6 का 1/4 बी है सो पूरे अवधि का 1/3 भाग यानी 2 समय के लिए, और पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, पूंजी 6 तो 1/3 यानी कि 2 रुपया निवेश करता है। सी कुल समय के लिए शेष पूंजी भाग निवेश करता है, सी कुल समय के लिए, कुल समय यानी कि हो गया 6 और शेष पूंजी निवेश करता है, यहीं पर केयर करना है, कुल समय के लिए शेष पूंजी, और शेष पूंजी आपका है टोटल 6 रुपया था, 3 रुपया इधर लगा दिया ये लोग, तो ये लगाया होगा 3, बस इतना ही समझना है। और फिर इसको प्रॉफिट निकाल लेना है। आप जैसा कि जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये गुना होगा, यहाँ पर मिलेगा 1 2 2 4 6 3 18, यानी कि 1:4:18 में पूंजी लगाया गया होगा, 18 4 22 और 1 23, और 23 बराबर है 4600 रुपया, इसीलिए आपको बी का हिस्सा ज्ञात करना है। 23 लाख टोटल होता ना, उसमें ऐसे बी का 4 मिलता, तो 23 बराबर 4600 है, 4 बराबर कितना, 23 दुनी 46 200 और 4 दुनी 800 रुपया हिस्सा हो जाता है किसका, बी का। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी कह रहा है कि ए बी और सी 1:3:5 के अनुपात में साझेदार में भाग लेते हैं। ए बी और सी 1:3:5 के अनुपात में साझेदार में भाग लेते हैं, मतलब 1:3:5 में पूंजी लगाया है ये सब, ठीक है। और 4 माह के बाद ए ने पहले से 2 गुना धन निवेश किया, बी ने पहले से आधा धन निवेश किया और सी ने बी का अनुसरण किया। देखिए समझिए, ए बी और सी पहले लगाए हैं 1 रुपया 3 रुपया और 5 रुपया, ठीक है, शुरुआत में। तो सोचिए, मतलब 4 माह बाद ए पहले से 2 गुना धन और लगा देता है, बी पहले से आधा धन निवेश करता है और सी ने बी का अनुसरण किया, यानी कि जैसे बी पहले से आधा निवेश किया था, सी भी आधा निवेश किया अपने धन का। तो जब भी कोई पैसा लगाए या निकाले, ऐसे केस में सीधा लाभ लिखते हैं। जैसे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होगा पूंजी गुने समय, सीधा लाभ लिखते हैं। तो 1 रुपया रहा है 4 माह तक, 1 का लाभ 1 गुने 4, लेकिन बाद में ए ने अपने पहले से धन दुगुना निवेश किया, मतलब पहले जो निवेश किया हुआ था 1 रुपया उससे दुगुना निवेश किया, यानी कि 2 रुपया निवेश कर दिया, और वो 12 महीना चला है टोटल बिजनेस, यानी कि 8 महीना तक रहा होगा 2 रुपया। समझ में आ रहा है बात,
ए 1 रुपया 4 महीना तक, बी 2 रुपया 8 महीना तक। अब कह रहा है कि ए 1 रुपया 4 महीने तक, 2 रुपया 8 महीने तक। बी कहता है बी ने पहले आधा धन निवेश, पहले का आधा धन निवेश किया। बी पहले कितना लगा लेता, 3 रुपया। 3 रुपया तो 4 महीने तक रहा, और 4 महीना के बाद बी आधा धन निवेश किया, यानी कि अपना धन आधा कर दिया बी। तो बी कितना पहले लगाए हुए था, 4 रुपया, अब आधा लगाया यानी कि 1.5 रुपया लगाया होगा, और बाकी कितने महीने तक रहा होगा, 8 महीने तक। चूंकि बिजनेस कुल साल भर चला है, वर्ष के अंत में लाभ है, साल भर 4 और 8 लगे। सी क्या किया है कि बी का अनुसरण किया है। सी पहले लगाया था 5 रुपया जो कि 4 महीने तक लगा था, और उसके बाद फिर धन बी किया था आधा, तो ये भी कर दिया होगा क्योंकि बी का अनुसरण किया है सी, तो ये 2.5 रुपया किया होगा, और इस तरह से ये भी 8 महीना तक के लगाया होगा। तो ये डायरेक्ट लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर आपका हो जाएगा। 4 और 8 दुनिया 16, 4 20 हो जा रहा होगा, ये 4 3 12 और 15 120 12, तो 12 12 24 हो जाएगा ये, और 5 का 20 और 5 का 20 20 40 ये हो जाएगा। काटिएगा मिल पाएगा ऐसा आपको, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 5 20 4 6 24 और 4 दहिए 40, तो 6 5 6 10 में इसका आंसर शायद त्रुटिपूर्ण था या क्या, आप एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे आएगा क्या, 5:6:10। अगला सवाल है, कह रहा है कि सवाल को कुछ इस तरह सा है कि यदि पी क्यू और आर एक पूंजी के साथ साझेदार करते हैं जिसमें कि पी की हिस्सेदारी 10,000 रुपया है, यदि 1,000 रुपया के कुल लाभ में से पी जो है 500 रुपया पाता है, क्यू है सो 300 रुपया पाता है, तो आर की पूंजी कितनी होगी। मतलब समझ रहे हैं, हिस्सेदारी जिसमें पी ने हिस्सेदारी की है 10,000, और पता नहीं है यहाँ पर कि पी क्यू आर सभी कितना लगाए हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर शामिल होते हैं जिसमें कि पी का हिस्सेदारी 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपया लगाया है, केवल इतना बात स्पष्ट है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से पी को 500 मिला, देखो ये पूंजी लगाया है ऐसा, और पी को मिल रहा है 500 रुपया, टोटल लाभ जो है उसमें से मिल रहा है 500 रुपया किसको, पी को। समय कुछ नहीं दिया, यानी कि समय बराबर रहा होगा, तो जो पूंजी का अनुपात होगा उसी के अनुपात में लाभ होगा। तो ये 500 रुपया मिला, और क्यू पाता है 300 रुपया, ठीक है, क्यू पाता है 300 रुपया 1,000 में से। कुल लाभ कितना रुपया था, 1,000 रुपया, याद रहे कुल लाभ 1,000 रुपया में से 500 रुपया मिला ए को, 300 रुपया मिला बी को, तो बाकी बच गया कितना, 200 रुपया, जो कि किसको मिला होगा, आर को मिला होगा। समझ में आ रहा बात, अर्थात इनका लाभ जो मिला वो मिला है, लाभ जो मिल पाया है इनको वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि लाभ मिला है 5:3:2 में। और जैसा कि आपको पता है, यदि समय बराबर है तो जो पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में उनका लाभ भी मिलेगा। इसका मतलब कि जो लाभ का अनुपात हुआ है उसी के अनुपात में पूंजी था। और आप ये बढ़िया से देखिएगा तो नजर आ रहा होगा कि यदि 5 के लिए पूंजी 10,000 है तो 3 के लिए पूंजी 6,000 रुपया होगा, और 2 के लिए पूंजी 4,000 रुपया होगा। क्या क्लियर है बात, क्योंकि 5 = 10,000 3 = 6,000, 5 = 10,000 तो 1 = 2,000, तो 3 = 6,000 तो 2 = 4,000। अब पूछ रहा था यहाँ पर तो आर की पूंजी ज्ञात करें, तो आर का पूंजी जो है सो 4,000 रुपया है, यही आपका आंसर होगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हो रही होंगी, क्लियर समझ में बातें आ पा रहा होगा आपको। अगला सवाल कह रहा है कि सर ये ए और बी, ए और बी 3:5:5 में पूंजी लगाते हैं, व्यापार करते हैं पूंजी लगा के, 6 महीना बाद सी बी के समान
छह महीने बाद सी बी के समान पूंजी के साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में एबीसी का लाभ किस अनुपात में है? बेहद आसान, एबीसी जुड़ा है लेकिन एक साल तक व्यापार चला है और ए लगाया है ₹3, तो 12 महीना तक इसका बिजनेस 12 महीना तक पूंजी रहा होगा, और बी लगाया है ₹5, इसका पूंजी भी 12 महीना तक रहा होगा, लेकिन सी लगाया है, सी बी के समान पैसा लगाया है, छह माह बाद सी बी के समान पूंजी के साथ, बी का 5 पूंजी था, तीन 5 पूंजी, और लेकिन 6 महीना बाद, यानी कि ये भाई साहब 6 ही महीना तक रहा होगा, 6 महीना बाद आया और साल भर तक बिजनेस चला है, तो 6 ही महीना तक ये बिजनेस में रहा होगा। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका टाइम। तो प्रॉफिट आप जैसा कि जानते ही होंगे कि टाइम का और इसका अनुपात निकाल लेंगे, समय का अनुपात निकाल लेंगे, 2:1 होगा, और प्रॉफिट का अनुपात निकालना होगा, तो समय गुने पूंजी कर देंगे, पूंजी गुने समय, 3 × 6 = 5 × 10 और ये 5, यानी 6:10:5 में इनके लाभ का अनुपात होगा। प्रश्न अगला है, आगे देखते हैं सवाल। सवाल सारा आसान है, लेकिन बात है कि ये सब सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको पैकेज में दिया हुआ है, सभी सवाल आपसे बन जाने चाहिए ऐसे ऐसे। कहता है एक व्यापार में ए सी 2:3 के रूप में धन लगाया, ए और बी के बीच निवेशित राशियों का अनुपात 3:2 था, यानी कि ए और सी लगाया है, ए और सी लगाया है 2:1 में, ठीक है, और ए और बी निवेश किया है आपका 3:2 में, और यदि उनका लाभ 1,57,300 था तो बी का लाभ, तो पहले तो ये सबका लाभ एक साथ करेंगे, यानी दो को बैलेंस कर, ए का लाभ दोनों जगह अलग अलग है, तो ए का लाभ लिखेंगे 6, तो बी का लाभ हो जाएगा, जानते हैं 3 × 6 तो 2×4, और लाभ नहीं बल्कि पूंजी, ये सब पूंजी दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट इसका है लेकिन अलग अलग दिया हुआ है, तो ए का यहाँ 2 कह रहा है, यहाँ पर 3 कह रहा है, तो 6 मान लिए, बी का कितना कर देंगे, अगर 3 × 6 हो जाएगा तो 2×4 हो जाएगा, और सी कितना, 2×3 = 6 यानी 2×3 = 6 तो 1×3 = 3, यानी सी का धन ₹3 इन्वेस्ट किया होगा। यह है इसका इन्वेस्टमेंट, सबका एबीसी का इन्वेस्टमेंट है, और समय का कुछ पता नहीं, वर्ष के अंत में होगा या फिर समय का कुछ नहीं अंदाजा है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट है। आप क्या कीजिए, प्रॉफिट सीधा निकालिए, प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 6:4:3, तो 6×4 = 10 = 13 और 13 बराबर दे रखा है आपका 1,57,300 रुपया, और ये 13 बराबर है, तो बी का लाभ पूछता है, जिस अनुपात में पूंजी रहा होगा उसी अनुपात में लाभ मिलेगा, तो बी का लाभ कितना अनुपात में मिलेगा, 4, 13 में से ₹4 बी का लाभ मिलेगा, यानी कि स्पष्ट बात है 13 से एक बार में लगेगा, 13×26 दो एक बार में लगेगा, फिर 13 एक बार में लगेगा, 121 बार में कट जाएगा, 4×4×8 484 पर 00 यानी कि ₹48,000 लाभ हो जाएगा, किसका, बी का। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट हुआ होगा। ये प्रश्न संख्या 45 है। अगला सवाल आपको देता है कि ए बी सी एक चारागाह किराए पर लिए है। आपको कई बार ये सवाल डिस्कस किया गया कि चारागाह किराए पर लेगा तो जो ज्यादा जानवर चराएगा, सॉरी, जो ज्यादा जानवर चराएगा वो और ज्यादा देर तक चराएगा वही उतना ज्यादा पैसा देगा। चारागाह किराए पर लिया, ए एक बैल चराता है 2 माह के लिए, ठीक है, और बी 12 बैल चराता है 5 माह के लिए। यहां पर एक नहीं होगा, ये कुछ दूसरा होना चाहिए, 10 बैल होना चाहिए 2 माह के लिए, बी 12 5 महीना के लिए, और सी 15 बैल 4 माह के लिए। यदि चारागाह किराया ₹175, देखो इसी में डाउट है कहीं पे, अगर एक लेते हैं तब तो एक लेते हैं तो क्या, इस प्रश्न के अनुसार अगर बनाते हैं तो देखो 175 कटता है कि नहीं। ये संख्या है जानवरों की और ये है आपका समय, तो सीधा सीधा संख्या का अनुपात और समय का अनुपात का गुना कर देंगे। संख्या यानी कि 2×2 ये 2 हो गया, 15×2 = 30 हो गया, और ये 15×4 = 60 हो गया, 60 = 90 = 92,
कटने वाला है नहीं, यानी कि अगर यहाँ पर यहाँ पर ये गड़बड़ कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर जानवरों की संख्या इतना ही मत समझ लीजिए कि एक अगर बैल है 2 माह के लिए, बी अगर 12 बैल 4-5 माह के लिए और सी 15 बैल 4 माह के लिए चराए, तो आपको उसी के अनुसार से यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कुछ डेटा ये इसका मिसिंग है, इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन होगा और कटेगा नहीं। वैसे इसके अनुसार से तो यही आया था, इसको कंपेयर करते 100, यानी कि जो अनुपात आता सो देखो 1:15 आ जाता, 15:30, तो 15 और 1 16 16, यानी कि 46 बराबर आपको ऐसा कुछ होता, 46 बराबर 175। और जो निकालना होता जिसका किसका किराया सी का, तो सी का हमको निकालना होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर 30। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ डेटा में गड़बड़ी है, ऐसे अगर बनाते हैं तो ऐसे लगते हैं, यहाँ पर कुछ दिक्कत है। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा आंसर, उसके अनुसार से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, आगे का सवाल कह रहा है एबीसी ने एबीसी ने एक कार 520 रुपये में किराए, देखो फिर किराए पर लिया है, तो जो ज्यादा देर तक चलाएगा वो ज्यादा पैसा देगा। यहाँ पर देखिए एबीसी का किराया जो है सर टोटल 520 है, ये 7 घंटा, ये 8 घंटा और ये 11 घंटे के लिए ले रहा है, तो जितना ज्यादा देर के लिए लगाएगा किराया उतना ही लगेगा, यानी किराया जो लगेगा वो आपको 7:8:11 में होगा। 11:7 आपका 18 हो गया, 18:8 26 रुपया में से अगर 26 रुपया किराया होता है तो उसमें 7 रुपया लगेगा किसको, ए को, बी को लगेगा 8 और सी को लगेगा 11, और 26 जो है सो आपका 520 रुपया है। निकालना आपको क्या है, बी द्वारा जो कार चुकाया गया किराया वो है, तो 8 आपको काटिएगा तो ये मिलेगा 26 × 52 20 बार में कटेगा और 8 × 16 160 रुपया इसका किराया आएगा, किसका तो बी का किराया 160 रुपया आ जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। सवाल देखिएगा, ये ए बी और सी एक साझेदार में प्रवेश किया, एक कुल धन कुछ धन आराम में निवेश करता है, 6 महीने के बाद बी दोगुने राशि का निवेश करता है और 8 महीने के बाद सी 3 गुने राशि का निवेश करता है। पहले तो ए लग शुरू किया, फिर 6 महीने बाद आया बी, फिर सी आया 8 महीने बाद, और यदि वर्ष के अंत में तो सबका समय दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं ए बी सी। आपको ए पूंजी लगाया होगा 1 रुपया मान लो, और 1 रुपया मान लो शुरुआत में लगाया है, और वार्षिक लाभ दिया हुआ है, यानी कि साल भर बिजनेस चला है, 1 रुपया 12 महीने लगाया। बी 6 महीने के बाद दोगुनी राशि लगाता है, तो 6 महीने के बाद आया है, यानी कि 6 महीना रहा होगा, तो 6 महीना रहा होगा और दोगुनी राशि लगाया है इससे ऐसे 6 माह के लिए, और चूंकि 6 महीने बाद आया तो 6 महीना बिजनेस में रहा, ये ध्यान देना है कितना महीना रहा है ना। और सी देखो क्या रहा है, कहता है कि 8 महीने बाद आया, सी 8 महीने बाद आया और 3 गुने राशि को निवेश किया, यानी 8 महीने बाद आ रहा है ये और 3 गुना राशि निवेश कर रहा है, जो एक ए निवेश किया था सो किसका 3 गुना, हाँ मतलब जो भी ए निवेश किया होगा वहां पर लिख दिया कुछ धन प्रारंभ में निवेश करता है, 6 महीने बाद बी 2 गुना राशि, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि ए का 2 गुना, सी किसका 3 गुना, तो ए का 3 गुना निवेश करता है, कुछ नहीं लिखता है, तो शुरुआत वाला जो निवेश किया 1 रुपया उसका 3 गुना निवेश करता है। फिर कहता है कि यदि वार्षिक लाभ 2700 है तो सी का हिस्सा कितना है, ये आपका टाइम है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, काटिएगा तो मिलेगा आपको 4 2 से काटेंगे 6 × 12 6 × 12 3 × 6 4 × 8, हमें प्रॉफिट लिख देना चाहिए सीधा सीधा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपको 6 3 × 6 और 4 3 12, काटिएगा तो 1:1:2 आएगा, 2 2 4 4 बराबर दे रखा है कितना, 8 महीने के बाद आया है, यानी कि 4 महीना तक रहा है, यहाँ पर केयर करना होगा, 8 महीने के बाद आया है यानी कितना महीने तक रहा है, 4 माह तक, तो 4 3
यहां पर आपको केयर करना होगा, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दो, कटेगा तो कितना, छः दुनी बारह, तीन दुनी छः, दो दुना चार और छः, और तीन दुनी छः, और यहाँ पर भी देखिएगा तो ये आएगा छः ही, यानी कि ग्यारह छः, और इनका अनुपात जब निकालते तो एक अनुपात एक आता, यानी कि तीन बराबर सत्ताईस सौ। देखो यहाँ पर आठ महीना बिजनेस चला है, आठ महीना बाद आया है, यानी कि चार महीना बिजनेस में रहा है, ये केयर करना है। अब क्या करेंगे, तीन बराबर टोटल लाभ दे रखा है कितना रुपया, सत्ताईस हजार रुपया लाभ दे रखा है, तो हमको सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा यानी कि एक है, यानी कि नौ हजार रुपया सबको आपको प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा रहा है। आई होप कि ये बातें स्पष्ट हुई होंगी, क्लियर हुआ होगा। प्रश्न संख्या, हाँ इसमें केयर बस इतना करना है कौन कितने दिन बाद आया, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखना है कि कितने दिन तक बिजनेस में रहा, ये महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं, 49 कह रहा है कि ए का पूंजी बराबर, ए का पूंजी का चार गुना बराबर बी के पूंजी का छह गुना बराबर दस दस गुना ऑफ सी का पूंजी है, तो लाभ कितना होगा। भाई पूंजी के अनुपात में ही लाभ होगा, लेकिन पूंजी का अनुपात निकालना है तो ए बी सी इसको क्या करना होगा, चार इसको कितना से भागा देना होगा, मैं अगर 12 से भागा दूं, नहीं 60 से भागा दूं तो 15 चौका 60 आ जाएगा, 12 पचास 60 क्या है, एलसीएम है, 60 से भागा दूंगा तो 15 चौका 60 और 60 से भागा दूंगा तो 10 और 60 से भागा दूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि इनका 15 अनुपात 10 अनुपात 6 में इन्वेस्टमेंट होगा, पूंजी लगाया होगा, और समय का कुछ पता नहीं रहे तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ठीक है, तो यहां पर 31 रुपया 15 6 25 25 6 31 रुपया टोटल लाभ है, 31 रुपया में से आपको सी का लाभ है 6 रुपया, तो 31 बराबर 3720 रुपया है, और सी का लाभ निकालना है तो सी का लाभ 6 रुपया है, काटिए पीटिए आंसर आ जाएगा, यहाँ 31 से कटेगा एक बार में, 6 31 दूनी 62 120 12 6 72 720 रुपया सी का क्या हुआ, प्राप्त करेगा सी 720 रुपया। अगला सवाल देख रहे हैं हम, प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तीन साझेदार एबीसी एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए का पूंजी का दुगुना बी के पूंजी के तीन गुने के समान है, यहाँ पर देखो ऐसे स्पष्ट कह रहा है, दिन दहाड़े कह रहा है, ए के पूंजी का दुगुना, ए के पूंजी का दुगुना बी के पूंजी के तिगुने के समान है ना, और बी की पूंजी सी की पूंजी का चार गुना है, बी की पूंजी सी की पूंजी का चार गुना है, ऐसा कह रहा है, वर्ष के अंत में 19,800 के रूप में लाभ हुआ है। फिर से यहां पर पूंजी का अनुपात निकालिए, तो यहां पर ए बी का अनुपात हो जाएगा 3:2 और यहां पर बी और सी का अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि ए बी सी के पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिख रहा होगा 3:1, अच्छा इसको मैं 4 कर देता हूँ बी को, है ना, तो बी दुदुनी 4 हुआ तो 3 दुना 6 लेना होगा, और 4 है और ये 1 होगा। बैलेंसिंग का मतलब रेशियो में जो बैलेंसिंग पड़े हैं उसका इम्पोर्टेंस है इसमें, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट ये है तो प्रॉफिट क्या होगा, आपको पता है जब समय बराबर है तो प्रॉफिट वही होगा जो इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दे रखा है 6 4 1, तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा 6:4:1 6 4 10 और 1 11 11 प्रॉफिट जो आ रहा है वो दिया हुआ है, एक्चुअल में प्रॉफिट है सो 19,800 दिया हुआ है, 11 प्रॉफिट 19,800 है, तो पूछता है कि बी का कुल लाभ, तो बी का जो लाभ होगा वो आपका होगा, बी का लाभ 4 रुपया, 4 लिखिएगा, 11 से कट जाएगा, ये एक बार में 11 बार 88 1800 बार में ये कटेगा, तो उस तरह से 7,72 रुपया बी का हिस्सा बन रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, हिस्सा बांट सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला सवाल देख रहे हैं हम, प्रश्न संख्या 51 कहता है ए बी और सी एक व्यापार के लिए 50,000 रुपया हिस्सा के रूप में लगाते हैं, ए बी से 4,000 रुपया अधिक ज्यादा लगाता है, बी सी से 6,000 ज्यादा लगाता है। देखो बाबू इसमें जब भी आपको देता है कि ए इससे ज्यादा बी उससे ज्यादा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये आपको केवल इतना करना है कि ए बी से 4,000 ज्यादा लगा रहा है,
ठीक है, और बी जो है सो किससे ज्यादा लगा रहा है, बी सी से ज्यादा लगा रहा है 6000 रुपया। आप सिंपली मान लो और टोटल कितना इन्वेस्ट किए हैं 50,000। तो बाबू ये एक्स रुपया लगाया होगा तो ये एक्स प्लस 6000 रुपया लगाया होगा, ज्यादा विचार नहीं करना है। और 6 4 10,000 रुपया लगाया होगा ये, और आप देख रहे होंगे अगर तो सबको जोड़िएगा तो 3x, सबको जोड़िएगा तो 3x प्लस 16,000 जो रुपया है, 3x प्लस 16,000 जो रुपया दिख रहा होगा वो 50,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर आपका 34,000 रुपया होगा। एक्स बराबर कट नहीं रहा होगा, कहां गलती किया हमने, 50,000 रुपया टोटल हिस्सा के रूप में लगाया, ए बी से 4,000 रुपया अधिक और बी सी से 6,000 रुपया ज्यादा लगाता है, सी से 6,000 ज्यादा, 6 6 4 10,000 ये ज्यादा लगाया होगा और 35,000 के लाभ में एक हिस्सा। अब कुछ नहीं करना है, ये 3x और ये 16,000 रुपया है, 3x 16,000 घटेगा तो 34,000 रुपया, 3x बराबर यानी कि x बराबर 34,000/3 जो कि घटेगा ही नहीं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, कुछ डाउट है कि 4,000 ज़्यादा लगाया है, 6,000 ज़्यादा लगाया है, यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपको x का वैल्यू निकल जाता, उसके बाद से x का पूंजी निकाल लेते, x का पूंजी 34,000 और बटा 3 है, और उसी तरह से इसका फिर इसका निकालते हैं और अनुपात निकालते सबका, तो आपका जो अनुपात आता उसी में पूंजी को बांट देते। लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि सर ये 6,000 प्लस 34,000 बटा 6 और प्लस 3 प्लस 6,000 होगा सर, और ये आपका 34,000 बटा 3 और प्लस 10,000 होगा, जो कि थोड़ा सा अटपटा आपको दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, इसका अनुपात निकालिए, अनुपात निकालने के बाद ये जो आएगा सो प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट का अनुपात आएगा। प्रॉफिट का अनुपात निकालिए, उसके बाद 35,000 को बांटिए। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा पड़ जा रहा है, 3 से 3 कटेगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पर, 30 तो यहाँ 64,000 ये आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 6 3 18, चूंकि 6 3 18 8 4 12 और 3 1 4 1 5 ये 52,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बावन हजार आ जाएगा और ये हो जाएगा 34,000। अब इसे भी काटने से लगता है कि नहीं आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे, जो कि तो 3 0 से 3 0 कट जा रहा होगा, कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 5 3 8 8 6 14 और 14 और 15 यानी कि यहाँ पर आ जाता होगा ये टोटल काट के 100 जोड़ के 150, 4 2 8 4 2 6 6 4 10 और 5 3 8 8 6 14 14 1 15, तो यहाँ पर 150 आ जा रहा है काट के, और 150 बराबर 3500 वहां पर भी नहीं कटेगा, यानी कहीं त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर लाभ का अनुपात यही आ रहा था और 150 बराबर, तो इसमें ये प्रश्न में 51 नंबर में कुछ न कुछ डाउट है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, जिसके कारण यहाँ पर बैलेंस रूप से बट नहीं रहा है। लेकिन निकालना होता तो प्रॉफिट का अनुपात ऐसे निकालते और 150 बराबर लिखते, 150 बराबर लिखते कितना रुपया, 6,000 रुपया, बैठाते जाइए सबको। हाँ देखिए, क्लासरूम सुबह सुबह है और इसमें बच्चे आने लगे हैं, तो मैं इस भोर में ही मेरा समय रहता है, आपको पता ही है, जैसा कि एक क्लास में मैं क्या होता हूँ कि रात को जल्दी सोता हूँ। ये सवाल में डाउट है, इसको एक बार एडिट कर लीजिएगा क्लास में पूछकर। ठीक है, सवाल देखिए, कह रहा है 5252 कहता है कि ए बी सी एक व्यापार में 3 4 5 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं और साझा में उनकी समय अवधि का अनुपात, पूंजी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो लाभ तो किसी से भी निकल जाएगा, आप सबको पता है 3:4:5 में आपका पूंजी है और प्रॉफिट जो टाइम दिया हुआ है
वो 6:7:8 है, और लाभ का अनुपात जो होने वाला है 6:18 28 और 8:40 हो जाएगा। यानी कि काटिएगा इसको तो क्या मिल जाएगा पता है आपको, मिलेगा 9 × 18, 14 × 28 और 10 × 20 = 40। ये अनुपात में लाभ होगा, जो भी आ जाता हो अपना कैलकुलेट करके लिख सकते हैं इसमें। अगला सवाल आपको है कि तीन मित्र अपनी कंपनी का लाभ 5:5:8 के अनुपात में बांटे, उन्होंने अपनी पूंजी को 14 माह, 8 माह और 7 माह के लिए निवेश किया, तो पूंजी का अनुपात क्या है। कह रहा है कि भाई ऐसा है कि कंपनी का लाभ दे रखा है, इन प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कहता है कि 5:5:8 में बांटता है अपनी पूंजी, और ये जो टाइम है इनका, ये टाइम जो इनका है सो 14 माह के लिए लगाया है, 8 माह के लिए लगाया है और 7 माह के लिए लगाया है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या रहा होगा, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको पता होता होना चाहिए कि लिखते हैं इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 5:5:8 और टाइम 14:8:5:8:7 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 5:14:5:8:7 और जो भी आएगा सॉल्व करके वो आपको आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी एक व्यापारी 1,40,000, 80,000 और 1,20,000 लगाता है, पहले वर्ष के अंत में 40,000 रुपया निकाल लेता है और 2 वर्ष के अंत में 80,000 रुपया और निकाल लेता है, 3 वर्ष के अंत में लाभांश परस्पर कितना होगा। देखिए हमेशा से समझिए, अगर कोई व्यक्ति पैसा लगा निकालता है, कोई व्यक्ति अगर पैसा इन्वेस्टेड है उसमें से कुछ निकालता है या मिलाता है तो सीधा लाभ लिखते हैं। जैसे ए का लाभ देखो, ध्यान देना 3 वर्ष तक बिजनेस चला है, तो 3 वर्ष तक चला है यानी कि जो शुरू में लगाता है, पहले तो 14,000 रुपया लगाया था, कौन ए लगाया है 14,000 रुपया, कहता है पहले वर्ष के अंत में यानी कि 14,000 एक साल रहा और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि आप 10,000 रुपया इसका बचा हुआ है, और ये चला होगा कितना महीना, 1 वर्ष है तो ये बाकी चला होगा 2 वर्ष के लिए, चूंकि बिजनेस चला है 3 वर्ष के लिए, है ना। बी कहता है कि बी क्या किया है कि लगाया हुआ है 80,000 रुपया और बी 40,000 रुपया निकाल रहा था पहले वर्ष के अंत में भी 40, अच्छा ए नहीं निकालता, सॉरी ए नहीं निकालता, ए तो इसका लगा हुआ था 14,000 रुपया, ए का लगा हुआ है 14 नहीं बल्कि 1,40,000 रुपया लगा हुआ है, गलत मैं रीड कर रहा, 1,40,000 रुपया लगा हुआ है और वो लगा हुआ है 3 वर्ष के लिए, क्योंकि ए अपने पैसे में कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन पहले वर्ष के अंत में बी निकाल लेता है 4,000, तो बी का लगा हुआ था कितना, बी का लगा हुआ था 80,000 रुपया और निकाल लेता है 40,000 रुपया, यानी कि एक साल तक तो 80,000 रुपया लगा रहा होगा और बाकी 40,000 रुपया निकाल लेता है, यानी कि 40,000 रुपया और लगा हुआ रहा होगा और ये लगा हुआ रहा होगा कितने दिन तक, 2 वर्ष तक। और सी क्या करता है, सी 2 वर्ष के अंत में 80,000 रुपया निकाल लेता है, सी का 1,20,000 रुपया लगा हुआ था, 1,20,000 रुपया लगा हुआ था सी का, ये आपको लगा हुआ था कितने दिन के लिए, एक साल के लिए, नहीं 2 वर्ष के अंत में निकालता है, यानी 2 वर्ष के लिए लगा हुआ था और 2 वर्ष के अंत में क्या करता है, सी 80,000 रुपया निकाल लेता है, तो 80,000 रुपया निकाल लेगा 1,20,000 में से, तो कितना बचेगा, सी 1,20,000 में से 80 निकाल ले रहा है तो आपको दिख रहा होगा 40,000 रुपया बचेगा और वो चला होगा एक साल का। भावार्थ केवल इतना है कि जब भी कोई पैसा लगाता है या इन्वेस्ट करता है कभी भी, तो सीधा सीधा उसका लिखते हैं हम क्या, उसका लिखते हैं पूंजी प्रॉफिट का अनुपात पूंजी गुने समय करके। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये 14×42 यानी कि 4,20,000 रुपया ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसे काटिएगा तो सब में से काट सकते हैं, सब में से कट रहा है अगर क्या, सब में कट रहा है यहाँ पर कितना, सब में कट रहा है 3 जीरो तो पक्का कट जाएगा, सब में काटना होगा 3 जीरो, याद रहे सब में 3-3 जीरो काटने हैं, सब में 3-3 जीरो काट दिया। अब देखिए 14×42 = 420 और यहाँ पर 80 + 80 = 160 और यहाँ पर 12×24 = 40 12×24 = 40 = 64 यही कुछ आ रहा है। तो लाभांश किस अनुपात में बांटेंगे, तो कुछ इसी तरह से
बटेगा, क्योंकि ए का ए अपना पैसा एक लाख चालीस रुपये लगाए रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा होगा। काटिएगा इसको तो आप चार से काट सकते हैं, चार एकम चार, देखो ये हिलता है, बताओ चार पचे बीस, चार चौका सोलह और सोलह चौका चौसठ। अभी भी कटेगा क्या किसी से? तो नहीं कटेगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो था इसमें केवल ये बात समझना था कि अगर कभी कोई पैसा निकाले या लगाए तो ऐसे केस में क्या करते हैं, लाभ डायरेक्ट लिखते हैं। एक कोई पैसा बदलाव नहीं किया, एक लाख चालीस हजार रुपये रखा है तीन साल के लिए, तीन साल के अंत में लाभांश का पूछ रहा है, लेकिन बी आपका अस्सी हजार रुपये लगाया था, एक ही साल के बाद क्या किया वो अपना चालीस हजार रुपये निकाल लेता है, इसलिए देखो चालीस हजार लिखे हैं दो साल के लिए। फिर देखिए एक लाख बीस हजार रुपया लगाता है कौन आपका सी, लेकिन वो दो वर्ष के अंत में, तो दो साल तक एक लाख बीस रुपया रहेगा और उसके बाद चालीस। कहने का मतलब है कि मुझे लगता है ये बात स्पष्ट हुआ है कि आपको चौवन क्वेश्चन तक क्लियर हुआ है, पचपन एक सवाल दिया हुआ है, फिर वैसे ही लगाकर निकालने वाला, यानी कि ए लगाया है सोलह हजार रुपया और बी लगाया है बारह हजार रुपया और तीन माह के बाद ए लगाया, ए ने पांच हजार रुपया निकाल लिया, तो सोचो लाभ डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, लगाया है ए और बी ऐसे तो लिखेंगे लाभ की सोलह हजार रुपया तो तीन महीना तक रहा होगा, उसके बाद से ए पांच हजार रुपया निकाल लेता है, तो ए पांच हजार रुपया निकाल लेता है तो ग्यारह हजार रुपया रहा होगा, तीन महीना के बाद निकाल लेता है, वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, देखिए एक साल के बाद लाभ हुआ है इतना सोलह हजार, तो तीन महीना तक तो सोलह हजार रुपया रहा होगा, अब निकाल लिया पांच हजार तो बचा होगा कितना, ग्यारह हजार रुपया, कितना महीने तक रहा होगा ये, नौ महीना तक। बी का लाभ कैसे लिखेंगे, ये ए का लाभ हुआ, बी का लाभ सीधा कैसे, बी लगाया है बारह हजार रुपया, बी बारह हजार रुपया लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया और कितने महीने तक लगाया रखा, तीन महीना के बाद इसे बदलाव किया है, यानी कि तीन महीना तक बारह हजार लगा रहा है, उसके बाद से बी क्या किया कि बी भी पांच हजार रुपया और लगा देता है, ये निकालता है देखो और बी क्या करता है लगा देता है, तो लगा देता है तो पहले से कितना था इसका बारह, तो बारह और तीन पंद्रह हजार, सॉरी बारह और पांच सत्रह हजार रुपया हो जाता है और कितना महीने के लिए, आठ महीना के लिए। अब कहता है कि सोलह हजार रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना है, इसको कैलकुलेट करिएगा, तीन जीरो तो सब में से कट रहा है और कोई कटेगा क्या, अच्छा ये आपका आठ महीना नहीं तीन महीना के बाद केस है तो ये हो जाएगा नौ महीना यहां पे है ना, गुना कर देंगे तीन से कटेगा क्या सर, हाँ तीन रहेगा तो कटेगा तब सब तीन से, तो तीन तीन तियाई नौ और तीन तियाई नौ, कैलकुलेट कीजिएगा इस सोलह और प्लस तैतीस आ रहा होगा यहाँ पे और ये बारह और प्लस सत्तर तिया इक्यावन आया होगा, ये जोड़कर आया होगा कितना, ये छ तीन नौ नाइन्टी फोर्टी नाइन आ रहा होगा और ये सिक्सटी थ्री आ रहा होगा, सात से कट जाता है ये दोनों, सात से काटिएगा तो ये सात सत्ते उनचास और सतनवा तिरसठ, नौ सात यानी प्रॉफिट का अनुपात क्या आया, सात अनुपात नौ, नौ सात सोलह, सोलह बराबर कितना है सोलह हजार रुपया प्रॉफिट है, तो किसका प्रॉफिट निकाल रहा है बी का, बी का प्रॉफिट आपका कितना था, बी का प्रॉफिट था नौ, तो यानी कि नौ हजार रुपया प्रॉफिट आपको बी को प्राप्त होगा। तो आप समझ गए इस प्रश्न में, इसके दो प्रश्न ऐसे थे जिसमें कि पूंजी क्या कर रहा है, निकाल रहा है या लगा रहा है, तो ऐसे सवालों को इस तरह से बनाएंगे। मुझे लगता है कि क्लास का समय हो चुका है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, साझा का सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से देखने के लिए।